दोस्तों ये है BS6 स्प्लेंडर मॉडल। ये अगला कलर है जो कि ब्लैक विद सिल्वर, और ये कलर काफ़ी पॉपुलर माना जाता है, जिसे लोग भी बहुत पसंद करते हैं। तो जैसे कि मैं वादा करता हूँ, जिस भी बाइक का मैं रिव्यू करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसके ज़्यादा से ज़्यादा कलर आपके सामने रखूँ, ताकि आप घर बैठे डिसाइड कर पाओ और अपनी फेवरेट बाइक और अपना फेवरेट कलर को चूज कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इस बाइक के बारे में, इसके कलर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि BS6 के दौरान इसके में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, और इसके प्राइस का भी क्या फ़र्क आया है, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गर्ल्स लाइफ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना, ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन सारी आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपको ब्रेक मिलती है उसमें आपको दो वायर, ये बहुत बड़ी पहचान है कि इसमें आपको IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, और बहुत से लोग इसको जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि अगर आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में लगेगा। और फ्रंट में जो टायर मिलता है वो आपको 80/100 ट्यूबलेस टायर मिलता है। फ्रंट हेडलाइट लैम्प में आपको 35/35 वाट का हैलोजन बल्ब मिल जाता है, और सेमी फ्लेक्सिबल आपको साइड इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, वो भी आपको 10 वाट के बल्ब देखने को मिल जाएंगे। अब हम आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। तो यहाँ पर देखिए, इसके जो लेफ्ट हैंडल बार पर है, यहाँ पर आपको पार्किंग स्विच, लो बीम हाई स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मीटर कंसोल देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ खास चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको इंजन मॉल फंक्शन लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर राइट हैंडल बार पर देखिए, यहाँ पर आपको पावर स्टार्ट स्विच मिल जाता है, यहाँ I3S स्विच नहीं मिलता, यानी ये सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मॉडल है। तो अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको I3S ऑप्शन भी मिलेगा। और आते हैं यहाँ इसके फ्यूल टैंक पे। तो यहाँ आपको 9.8 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। सिटिंग कंफर्टेबल डेली राइडिंग के हिसाब से बहुत सही मानी जाती है, पर इसकी जो सीट है वो मुझे थोड़ी सी पतली लगी, लेकिन जो है आप इसको बाद में अपने कंफर्ट के हिसाब से बनवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंजन है, यहाँ आपको बहुत बड़ा चेंज दिख रहा होगा। जो इंजन है यहाँ देखिए, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, और यहाँ आप ऊपर कार्बोरेटर मिलता था, फ्यूल गेज मिलता था, वो सारा सिस्टम यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें अब आपको FI मिलता है, जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, और FI होने के साथ इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और पीछे वाला जो टायर है वो आगे वाले टायर की तरह ही एकदम सेम साइज का ही मिलता है। इसके बाद मैं आपको इसके इंजन के में बता दूँ, तो इसमें आपको 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 97.2 सीसी का इंजन है, जो मैक्स पावर 5.9 किलोवाट की मिलती है। पहले यहाँ देखिए, यहाँ आपको राइडर के लिए जो ब्रेक फुट रेस्ट मिल रहा है, वहाँ पे आपको एक रेलिंग देखने को मिलेगी, ताकि जो राइडर का पैर है सलेंसर से टच ना हो और आपका पैर ना जले। और अब आते हैं सस्पेंशन की तरफ। तो आपको बता दूं, फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोप शॉक एब्जॉर्बर, और पीछे आपको मिलता है एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन। सस्पेंशन क्वालिटी आपको पहले से बेटर देखने को मिलेगी, और जो इसमें आपको ब्रेक्स मिलती हैं वो IBS के साथ साथ आगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, जो कि 130 mm के ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं। तो मैं आपको डायमेंशन बता दूं, इसकी जो लेंथ है गाइज, इसकी 2000 mm, हाइट है इसकी 1052 mm, इसकी जो व्हील बेस है इसका 1236 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 165 mm, और जो वेट है इस बाइक का, अगर आप सेल्फ मॉडल लेते हैं तो 110 किलोग्राम, अगर आप I3S के साथ लेते हैं तो 112 किलोग्राम वेट है। और जो आप एग्जॉस्ट पर मोटा सा पाइप देख रहे हैं, ये कैटलिक कन्वर्टर है, ये बहुत बड़ी पहचान है BS6, और ये एक फिल्टर का काम करता है, जो कि पोल्यूशन होगा हमारी बाइक से उसे कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, ये कलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो अब करते हैं इसके प्राइस की बात। तो अगर आप इसका किक मॉडल लेते हैं तो वो आपको 60,460 रुपीज़ का पड़ेगा। सेल्फ मॉडल आपको इसका 62,690
और सेल्फ प्लस i3s आपको 67,940 पड़ेगा। ये है अजमेर के रेट। तो एक कंप्लीट रेट आपको अगर मैं बताऊं तो ये लगभग आपको 74,000 से लेके 78,000 तक पड़ेगा। तो ये मैंने आपको तीनों रेट मॉडल के बता दिए हैं। तो बाकी आपका रेट जो आपके स्टेट के वाइज कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये तो मैंने आपको अजमेर के रेट बताए हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना बजट सेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी बाइक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।